न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गुजरात में परिवर्तन या फिर बीजेपी की बरकरारत रहेगी धार, यहां इस बार ये मुद्दे रहे हावी। 17वीं लोकसभा के लिए गुजरात से 26 चेहरों को चुनने का समय आ गया। मंगलवार को तीसरे चरण के मतदान में गुजरात के 44,07,45,125 वोटर अपने मताधिकारी का प्रयोग करेंगे। गुजरात में 21,04,88,437 महिलाएं और 23,02,56,688 पुरुष मतदाता हैं। गांधीनगर सीट से भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह, अमरेली विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश समेत वोटर अपने अपने क्षेत्रों में पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी, तुषार चौधरी, सीआर पाटिल, दर्शना जरदोश, गीता पटेल सहित चुनाव मैदान में डटे 370 प्रत्याशी के चुनाव भाग्य का फैसला करेंगे। गुजरात में भाजपा ने इस चुनाव में 6 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ एक गीता पटेल को अहमदाबाद से मैदान में उतारा है। सियासी पार्टियों ने करोड़पतियों को टिकट देने में तरजीह दी। भाजपा कांग्रेस में 52 में से मात्र 5 प्रत्याशी को ही करोड़पति नहीं है। पिछले चुनाव के मतदान के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो भारी मतदान सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसानदायक रहा है। विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ था, इसमें विपक्षी कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी। वही 2009 में 57% वोट पड़े थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।